Students, today we are going to read a lesson, lesson 7, Thomas Alva Edison. ये Thomas Alva Edison है. इन्होंने बहुत सारे inventions किए. Inventions होता है आविष्कार, खोज करना. आजकल हम देखते हैं हमारे पास जितना भी घरेलू सामान है या और बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, वो सारी किसी न किसी आविष्कार, किसी न किसी ने उसका आविष्कार किया है, तभी हम उसको यूज़ कर पाते हैं. ऐसे ही एक थॉमस एल्वा एडिसन है, आज हम इनके बारे में रीड करेंगे. थॉमस एल्वा एडिसन वॉज वन ऑफ ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स एवर नोन. हम सभी जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन एक बहुत ही महान खोजकर्ता थे. ही इन्वेंटेड 1093 न्यू थिंग्स. उन्होंने 1093 नई चीज़ों का आविष्कार किया, सम ऑफ विच वी इवन यूज टुडे, जो हम आज के समय में उन्हें यूज़ कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं. As a boy, Edison loved to ask questions. जब वो बच्चे थे Edison, तो उन्हें questions पूछने का बहुत ही question पूछने में बहुत ही पसंद करते थे. वो question पूछना उनको बहुत ही अच्छा लगता था. Even his mother, who had been a school teacher, यहाँ तक कि उनकी mother जो एक स्कूल की टीचर थी, कुड नॉट आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस. वो भी उनके क्वेश्चंस के, प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाती थी. व्हेन एडिसन वाज 22 इयर्स ओल्ड, जब एडिसन 22 वर्ष के हुए, ही वेंट टू न्यूयॉर्क. तो वो न्यूयॉर्क चले गए, यानी कि विदेश चले गए. ही लुक्ड फॉर ए जॉब ड्यूरिंग द डे. वहाँ पर उन्होंने एक दिन के समय नौकरी करना, नौकरी देखी, जॉब, काम करना शुरू कर दिया. एट नाइट, रात के समय, ही स्लैप्ड इन द बेसमेंट ऑफ ए गोल्ड कंपनी. वहाँ पर एक गोल्ड कंपनी थी, उस गोल्ड कंपनी की बेसमेंट में वो रात को सोते थे. बेसमेंट होता है जैसे हमारे फ्लोर बने होते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर. तो जो जहां हम रहते हैं ग्राउंड फ्लोर में, उसके नीचे भी एक पार्ट बना होता है, उसमें उन्होंने रहना शुरू किया. वहां पर रात के समय वो सोते थे बेसमेंट पे. वन डे अ मशीन स्टॉप्ड वर्किंग एट द कंपनी. जो गोल्ड कंपनी थी, उस कंपनी में एक दिन मशीन ने काम करना बंद कर दिया. एडिसन वॉज एबल टू फिक्स एडिसन इट बिकॉज ही हैड वॉचिंग इट वर्क एवरी नाइट बिफोर ही वेंट टू स्लीप. एडिसन सोने से पहले उस मशीन को चलते हुए देखते रहते थे, इसलिए एडिसन वॉज एबल टू फिक्स उस एडिसन उस मशीन को फिक्स कर पाए. ही फिक्स द मशीन सो दैट इट वर्क मच बेटर. उन्होंने उस मशीन को बहुत ही अच्छी तरह से ठीक कर दिया, पहले से भी अच्छी स्थिति में ठीक कर दिया. इट वर्क मच बेटर, वो और भी अच्छी तरीके से काम करने लग गई. द ओनर्स वर वेरी हैप्पी. जो उसका मालिक था वो बहुत खुश हुआ. एंड दे गेव हिम ए जॉब इन देयर कंपनी. और उनके मालिक ने उन्हें वहीं अपने कंपनी में उन्हें जॉब दे दी, काम दे दिया. दे गेव हिम $40,000 फॉर हेल्प. और उनको हेल्प के लिए $40,000 दे दिए. लेटर ही फॉर्म्ड ए टीम which that helped him in many of his experiments. Later, कुछ समय के बाद he formed a team. उन्होंने एक टीम बनाई that helped him in many of his experiments. और उनकी help, उन सब ने मिलकर helped him many his experiments, बहुत सारे experiments किए.
One of his experiments was to invent a light bulb. जो उन्होंने experiments किए उसमें उन experiments में एक उन्होंने light bulb का invent किया, light bulb का आविष्कार करा, खोज करी. He worked on it for a long time. इस खोज पर उन्होंने बहुत अधिक काम किया, बहुत लंबे समय तक काम किया. फाइनली ही मेड ए परफेक्ट ग्लास बल्ब, और अंत में उन्होंने एक बहुत ही परफेक्ट ग्लास बल्ब बनाया. जो हम देखते हैं येलो कलर का बल्ब होता है, शीशे का बल्ब, वो उन्होंने तैयार कर दिया. ही गेव द लाइट बल्ब टू हिज यंग असिस्टेंट. उन्होंने दे दिया लाइट बल्ब, जो बल्ब बनाया था वो बल्ब उन्होंने दिया टू हिज यंग असिस्टेंट एंड सेड. अपने जवान जो उनका असिस्टेंट था, उनका जो सहायक था, हेल्पर था, असिस्टेंट हेल्पर जो था, उसको दिया और कहा, जिमी, उसका नाम जिमी था, जिमी टेक इट अप स्टेयर, इसे ऊपर ले जाओ, लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स, और देखो कि क्या ये काम कर रहा है, क्या ये जल रहा है. सून आफ्टरवर्ड्स ही हर्ड ए क्रैश. जल्दी ही उन्हें एक हर्ड ए क्रैश, उन्हें एक आवाज सुनाई दी टूटने की. आफ्टरवर्ड क्रैश होता है किसी चीज का टूटना. जल्दी ही उन्हें एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई चीज़ टूट गई हो. द लाइट बल्ब हैड स्लिप्ड फ्रॉम जिमीज हैंड्स. उन्होंने देखा द लाइट बल्ब हैड स्लिप्ड, जो उन्होंने बल्ब बनाया था लाइट बल्ब, वो स्लिप हो गया फ्रॉम जिमीज हैंड, जिमी के हाथ से स्लिप हो गया, फिसल गया. एंड शैटर्ड ऑन द फ्लोर, और सारा फर्श पर वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो बिखर गया, टूट गया. जिमीज आईज स्वेल्ड विद टीयर्स, और जिमी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसको बहुत दुख था, वो रोने लगा. अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ ही मिनट के बाद, थोड़ी देर के बाद, एडिसन सेड, एडिसन ने कहा, ऑल राइट जिमी, कोई बात नहीं जिमी, लेट्स सी बैक, लेट्स गेट बैक टू वर्क, कोई बात नहीं, अब हम इस पर दोबारा काम करेंगे. देयर्स अ लॉट वी स्टिल नीड टू डू, देयर्स अ लॉट वी नी, हमें इसके लिए और मेहनत की ज़रूरत है. दे वर्कड हार्ड टू मेक अनदर लाइट बल्ब, और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और एक लाइट बल्ब फिर से बना लिया. फ्यू डेज लेटर द न्यू बल्ब वॉज रेडी, और कुछ दिनों के बाद वो नया बल्ब तैयार हो गया. एडिसन कॉल्ड हिज असिस्टेंट, एडिसन ने फिर अपने असिस्टेंट को, यानी हेल्पर को, सहायक को, अपने उसको बुलाया, कॉल्ड बुलाया. ही गेव द बल्ब टू हिम एंड सेड, और उसे वो बल्ब जो दोबारा नया तैयार किया था वो बल्ब दिया और कहा, जिमी लेट अस टेस्ट दिस थिंग आउट, कि आओ फिर इसे टेस्ट करते हैं, इसको देखते हैं. प्लीज़ ब्रिंग इट अप स्टेयर फॉर मी, मेरे लिए तुम इसको फिर ऊपर चढ़ो और इसको ले जाओ. थॉमस वॉज इंडीड अ ग्रेट मैन, थॉमस सच में एक बहुत ही महान व्यक्ति थे. बिकॉज ही फॉरगिव जिमीज मिस्टेक, क्योंकि उन्होंने जिमी की इतनी बड़ी गलती को भी माफ कर दिया था, क्षमा कर दिया था. तो ऐसे थे हमारे थॉमस एल्वा एडिसन. हम इस लेसन के और भी, थॉमस एल्वा एडिसन ने और जो भी इन्वेंट किए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और अब इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे. ओके, थैंक यू.